रय शिक्षण संस्था सातारा रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 के लिए सदगुरु गाड़गे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको 17वां पाठ ई अध्ययन नई दृष्टि, ये संकलित पाठ है। आलेख एक गद्य लेखन विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपको पहली तसिका में दे दी है। पाठ का परिचय भी मैंने अच्छी तरह से आपको पहली तसिका में दे दिया है। ई अध्ययन इंटरनेट के माध्यम से हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, सूचना प्रसारण, ज्ञान प्राप्ति तथा दैनंदिन कार्य की संपन्नता के मापदंड बदल चुके हैं। यहाँ तक कि मैंने और भी एक उदाहरण दे दिया था कि पिछले 2 साल से COVID-19 की वजह से हम इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन अध्यापन के लिए अध्यापक और छात्र दोनों के बीच में जो कार्य हो रहा है ये इंटरनेट के सहारे ही हो रहा है। आज के विद्यार्थी इस ई अध्ययन में बड़ी रुचि रखते हैं। दृक श्राव्य माध्यम से ये पढ़ाई रोचक होती है। मनोरंजन का सुंदर समन्वय ई अध्ययन में होता है जिसमें संगीत का उपयोग करने से पढ़ाई और अधिक मात्रा में आनंददायी होती है। ई लर्निंग में ये भी सुविधा है कि बच्चे अपने मोबाइल कंप्यूटर पर चाहे लेखक का साहित्य पढ़ सकते हैं। ई बुक, ई मैगजीन जैसे शब्द हर पल हम उच्चारित करते हैं, सुनते हैं, जहाँ चाहे वहाँ बैठकर हम पुस्तकें पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पुस्तक हमें पढ़नी होती है पर वह हमारे ग्रंथालयों में नहीं मिलती, तब उसे हम ई कॉपी द्वारा पढ़ सकते हैं। पुस्तक को संभाल कर रखने, गुम हो जाने या फट जाने की संभावना इसमें नहीं होती है। मनचाहे पुस्तक को अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में संकलित कर सुरक्षित रख सकते हैं। ई साहित्य से एक पल में हमारे सामने ज्ञान का भंडार खुल जाता है। देखिए छात्रों, जब इस पाठ का मैं दूसरा हिस्सा आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, इसमें आप लोगों के सामने किताब है, ये प्रपत्र भी आप लोगों के सामने खुली हुई है कि आज के विद्यार्थी इस ई अध्ययन में बड़ी ही रुचि रख रहे हैं। दृक श्राव्य यानी कि दिखाई देना और सुनाई देना, ये जो माध्यम है इस माध्यम से पढ़ाई में और भी रोचकता बढ़ चुकी है और भी रुचि छात्र निर्माण ले रहे हैं। मनोरंजन का सुंदर समन्वय ई अध्ययन में होता है जिसमें संगीत का उपयोग भी करने से पढ़ाई और अधिक मात्रा में आनंददायी होती जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग यानी कि सीखना पढ़ना, ये सुविधा बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो चुकी है। मोबाइल हो, कंप्यूटर, मन चाहे लेखक का साहित्य आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें होती है जो कि हमें प्राप्त नहीं होती है, तो उसे खरीदने के अलावा या खरीदने के बाद उसके गुम हो जाने की जो या फट जाने की संभावना होती है यह तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए इंटरनेट के माध्यम से ई कॉपी द्वारा हम इसे अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं और अपना ज्ञान का भंडार खोल सकते हैं। ई अध्ययन से हमें शिक्षा की तरफ देखने की एक नई दृष्टि मिल गई है। ई पुस्तकों के साथ साथ आज ई ग्रंथालय की नई सुविधा प्राप्त हुई है। ई ग्रंथालय वेबसाइट अथवा ऐप द्वारा ऐप पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये ग्रंथालय शुल्क सहित तथा निःशुल्क दोनों तरीके से उपलब्ध है। ऐसे ग्रंथालयों में ई पुस्तकें, ई वीडियो, वार्तापट आदि द्वारा ज्ञान उपलब्ध होता है। आप ये सुविधा हर दिन हर समय जब चाहे उसका लाभ उठा सकते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि इससे केवल हमारे देश के लेखकों का ही साहित्य नहीं तो विदेशी लेखकों के साहित्य को भी हम पढ़ सकते हैं। आज तक कई सारे प्रकाशक पुस्तक बनते ही वेबसाइट द्वारा पाठकों को पढ़ने के लिए उसे ई पुस्तक द्वारा आवश्यकता के अनुसार मल्टीमीडिया द्वारा देख सुन सकते हैं। ई पुस्तक वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए छात्रों, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी कि ई अध्ययन ये हमारे लिए मतलब अध्ययन अध्यापन के लिए तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए एक बहुत ही सुंदर नज़र प्राप्त हो चुकी है, एक स्रोत प्राप्त हो चुका है। ई पुस्तकों के साथ साथ आज ई ग्रंथालय की नई सुविधा प्राप्त हो चुकी है। आप लोगों ने कभी सुना होगा यह देखा होगा आपके मोबाइल पर अनेक सारी पुस्तकें ऐसे हैं कि जो पुस्तकें हम सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते हैं बल्कि सुंदर आवाज़ में उसे सुन भी सकते हैं। जबकि कभी कभी हमें पढ़ने के लिए जबकि परेशानी होती है तो देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर आवाज़ों में स्त्री हो पुरुष हो उनकी आवाज़ों में वो पुस्तक आप लोगों तक ऑडियो के माध्यम से मतलब श्राव्य के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो ई ग्रंथालय वेबसाइट अथवा ऐप पाठकों तक पुस्तकों को पहुंचाने का बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। ये ग्रंथालय शुल्क सहित तथा निःशुल्क दोनों तरीके से उपलब्ध है। ऐसे ग्रंथालय में ई पुस्तकें ई वीडियो वार्तापट ऐसे अनेक द्वारा ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध हो चुका है। आप यह सुविधा हर दिन हर समय जब चाहे उसका लाभ उठा सकते हैं और कहीं भी किसी भी समय आप ये किताबें वापस लौटाने के लिए ग्रंथालय में जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि मोबाइल पर आप ऐप लेके जो ग्रंथालय का ऐप होता है आप लोगों को सिर्फ अपने देश की नहीं अपने मराठी साहित्य ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्यकारों के नहीं बल्कि विदेश का कोई भी विदेशी साहित्य आप पढ़ सकते हैं। ये सारी सुविधा ई के माध्यम से मतलब इंटरनेट के माध्यम से ई अध्ययन के माध्यम से ई ग्रंथालय के माध्यम से आप लोगों के लिए यह प्रवेश द्वार खुल चुका है। आज का युग प्रतियोगिताओं का युग है। विद्यार्थियों को कई सारी प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की तैयारी करनी होती है और इन परीक्षाओं के लिए ई अध्ययन एक वरदान के रूप में विद्यार्थियों के लिए सहायक बना हुआ है। प्रतियोगिताएं अलग अलग परीक्षाओं की जानकारी तुरंत ई अध्ययन से हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हर विषय का ज्ञान दिन प्रतिदिन बदल रहा है, जैसे सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सामान्य ज्ञान खेल कूद की जानकारी संगीत क्षेत्र का ज्ञान आदि विषयों में तेजी से बदलाव आ रहा है और इन सब की जानकारी ई अध्ययन से हम ले सकते हैं। ये जानकारी हम विभिन्न वेबसाइट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा समाज को पर्यावरण किसानों को खेती की जानकारी महिलाओं को खाद्य व्यंजन की जानकारी तथा स्वस्थ निरोगी रहने हेतु योगा कसरत आदि की भी जानकारी हम ले सकते हैं। आज ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं कि जिसकी जानकारी हमें ई लर्निंग से ना मिलती हो। ये सारी जानकारी लेते लेते कभी कभी वेबसाइट खुलने में दिक्कत आ जाती है, दिक्कत आ जाने ने कि परेशान हो जाता है। तब देखिए छात्रों, आज का युग जो है प्रतियोगिता यानी कि स्पर्धाओं का युग है। तो आजकल छात्र क्या कर रहे हैं कि पहले ग्रंथालयों में किताबें पढ़ने के लिए जाना पड़ता था MPSC UPSC के परीक्षा देने के लिए या कोई भी परीक्षा देने के लिए, जबकि उनकी तैयारी करने के लिए उनको ग्रंथालय में जाके उसकी जानकारी हासिल करनी पड़ती थी। लेकिन आज आप लोगों को यह सारी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है उसकी तैयारी के लिए तथा उसके ज्ञान भंडार के लिए आप लोगों के सामने वह सारी जानकारी तुरंत ही एक ही पल में आप लोगों के सामने वह प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगिता अलग अलग परीक्षाओं की जानकारी तथा तुरंत ई अध्ययन से हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हर विषय का ज्ञान हर रोज बदल रहा है, जैसे कि समाज में कौन से बदलाव हो रहे हैं, राजनीति में कौन से बदलाव हो रहे हैं, आर्थिक हालात कैसे है, सामान्य ज्ञान हम लोगों के लिए जैसे आजकल जो युद्ध चल रहा है रशिया के बीच में,
इस युद्ध की जानकारी, कोविड की जानकारी, खेलकूद की जानकारी, ये सारी बातें, संगीत क्षेत्र का ज्ञान आदि विषयों में बड़ी ही तेजी से बदलाव हो रहे हैं। नई नई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों के सामने तुरंत ही पहुंच रही है। आप लोगों को जिस बात में, जिस विषय को लेकर लगाव है, वो जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से आपके सामने तुरंत ही, आप जब उसे शोधन करते हैं और शोधने के बाद, मतलब उसे आप सर्चिंग के लिए डालते हैं, जो जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं वो तुरंत ही आपके सामने खुलकर आ जाती है। महिलाओं के लिए खाद्य व्यंजन की बात है तथा किसानों की खेती के बारे में जानकारी है तथा पर्यावरण में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं उसकी सारी जानकारी, कसरत के बारे में, योगा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। कुछ महिलाएं तो व्यंजन बनाना चाहती है, अलग अलग व्यंजन बनाना चाहती है, बनाकर आप लोगों के सामने उसकी जानकारी, कौन सी मात्रा, कौन सा प्रमाण, किस तरह से लेना है, ये सभी जानकारी, यानी कि अलग अलग त्योहारों की जानकारी, सारी जानकारी आप लोगों को इंटरनेट के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये वेबसाइट खुलने में जब दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए अपने निजी विवरण के साथ साथ पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ता है। इसके जवाब में आपको ईमेल आता है जिसमें एक लिंक दी जाती है। इस लिंक को क्लिक करके आपके अकाउंट की पुष्टि होती है। इसके बाद आप इच्छित वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप किसी भी मॉड्यूल को देखकर अध्ययन कर सकते हैं। तकनीकी दुनिया में इंटरनेट एक किताब है और वेबसाइट उसके अध्याय। जानकारी के लिए उस साइट का नाम टाइप करने से उसका विषय की पूरी जानकारी आपके सामने कंप्यूटर द्वारा मिल जाती है। वेबसाइट पते के अंतिम तीन अक्षर महत्वपूर्ण होते हैं, जो ये बताते हैं कि आपने जो साइट खोली है वो किस प्रकार की है। यदि आपके पते के अंतिम तीन अक्षर ORG है तो ये किसी गैर व्यवसायी संस्थान और समितियों की साइट है। मतलब देखिए कि जबकि आप लोग अपना मेल आईडी बनाते हो तो जीमेल के माध्यम से, gmail.com के माध्यम से बनाते हैं, और ORG जब होता है तो ये किसी संगठना का होता है, किसी व्यवसायी संस्थान के होते हैं। तो आप लोगों को जब जानकारी चाहिए तो वह जानकारी कहाँ पे उपलब्ध हो सकती है, अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, अपनी खुद की जानकारी वहाँ पे मौजूद करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को अपना ईमेल आईडी बनाना पड़ता है। आप लोगों को वो लिंक दी जाती है, उस लिंक पर आप लोग अपनी सभी जानकारी बार बार टाइप कर सकते हैं, बार बार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह आपका अपना मेल आईडी होता है, पासवर्ड होता है, जो और किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। आप खुद की जानकारी बड़ी गोपनीय रूप से अपने लिए रख सकते हैं। यदि यह EDU है तो इसका मतलब है कि आप किसी शैक्षिक संस्थान की साइट खोल रहे हैं। यदि .com है तो यह कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इस प्रकार ई अध्ययन आज के युग की सबसे अद्भुत, आश्चर्यजनक संकल्पना है। इससे ज्ञान का विस्तार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ई अध्ययन करते करते इस क्षेत्र में ज्ञान के साथ साथ हमें हमारा करियर करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान, मनोरंजन, करियर, ऐसा त्रिवेणी संगम यानी ई अध्ययन है जो युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा क्षेत्र की एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है। अतः कहा जा सकता है कि भविष्य में प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ई अध्ययन अपनाना चाहिए। ई अध्ययन से हमारा ज्ञान अद्यतन रहता है, समय, श्रम और आर्थिक बचत बड़े पैमाने पर होती है। उज्जवल भारत तथा उज्जवल भविष्य के लिए सभी को ई अध्ययन का उपयोग करना चाहिए। देखिए छात्रों, जैसे ORG के बारे में हमने देखा, किसी संगठना के बारे में, संस्था के बारे में ORG कहा जाता है। इसी तरह से कोई शैक्षिक जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए EDU
जैसे वह आप लोगों को मेल आईडी ओपन करना पड़ता है, और इसी तरह से .com है तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इस प्रकार ई अध्ययन आज के युग की सबसे अद्भुत आश्चर्यजनक संकल्पना है। इससे हम ज्ञान बड़ी तेजी से अपने लिए प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान का भंडार बढ़ा रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। ई अध्ययन करते करते इस क्षेत्र में ज्ञान के साथ साथ हमारा करियर करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। देखिए, आप लोगों को यह मालूम है कि इंटरनेट के सहारे आज हमारे पास जो कुछ कला है, कुछ गुण है, तो उनका हम प्रसार करते हैं। अपने पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जबकि आप लोगों के लिए वह करियर के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मोटिवेशन के रूप में प्रेरणादायी कुछ ऐसी वीडियो है जो पढ़कर, सुनकर, हम देखकर अपने आप अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं। ज्ञान, मनोरंजन, करियर एक ऐसी त्रिवेणी संगम है, यानी ई अध्ययन है, जो युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा क्षेत्र की एक नई दृष्टि प्राप्त कर रहा है, प्रदान कर रहा है। अतः कहा जा सकता है कि भविष्य में प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ई अध्ययन अपनाना चाहिए। ई अध्ययन से हमारा ज्ञान अद्यतन यानी कि अद्यावत हो रहा है, नई नई जानकारी हम रोज़ रोज़ प्राप्त कर रहे हैं, समय, श्रम और अधिक बचत बड़े पैमाने पर होती रही है। उज्जवल भारत तथा उज्जवल भविष्य के लिए सभी को ई अध्ययन का उपयोग करना ही चाहिए। देखिए, यह पाठ तो यहाँ पे समाप्त हो चुका है, लेकिन जानकारी के लिए कि ईमेल कंप्यूटर द्वारा जो पत्र सूचना भेजी जाती है वह ईमेल है। इनबॉक्स किसी और के द्वारा भेजा गया ईमेल हमें इनबॉक्स में प्राप्त होता है। सेंट आइटम जो मेल हम दूसरों को भेजते हैं उसकी प्रति सेंट आइटम्स में रहती है। आउटबॉक्स जो ईमेल मैसेज दूसरों को भेजते हैं वह उस व्यक्ति के पास पहुंचने तक आउटबॉक्स में रहता है। नया संदेश बनाना है तो आउटलुक का प्रयोग करके जब हम नया संदेश बनाना चाहते हैं तब एक खाली फॉर्म मेल कहलाता है। यह फॉर्म टैलेंट की तरह से है जिसकी सहायता से संदेश बना सकते हैं। देखिए छात्रों, ई अध्ययन के बारे में जितना मैं आप लोगों को समझा सकती थी उतना मैंने आपको समझा दिया है। धन्यवाद।